एक किसान आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, अपना खेती करता है और आराम से रात में आके चैन की नींद सो जाता है, मैं उस आदमी को भी सक्सेसफुल मानता हूँ। और है भी सही, अगर वो हैप्पी है, अगर वो अपने आप को सेटिस्फाइड मानता है, अगर उस चीज में वो सेटिस्फाइड मानता है, वो कहता है मेरे को जरूरत ही नहीं है ना, व्हाट इज द नीड। हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेटर स्टॉक। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ है मिस्टर ज्योतिष। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम गुड। तो सबसे पहले तुम स्टार्ट करते हैं सक्सेस और फेलियर से। आप मुझे बताओ सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है, आप किसको सक्सेस मानते हो और किसको फेलियर मानते हो? देखो, सक्सेस मेरे ओपिनियन में बड़ा ही अलग तरह का टर्म है, हर किसी की लाइफ में अपनी अलग ही डेफिनेशन है सक्सेस के बारे में। बिल्कुल, किसी को लगता है कि पैसा बहुत ज्यादा कमा लिया तो सक्सेसफुल हो गए, किसी को तो क्या 99% लोग यही मानते हैं, गोल ही सबका यही है कि हम गवर्नमेंट जॉब लग जाए या चलो प्राइवेट सेक्टर में 1-1.5 लाख-2 लाख रुपए का पैकेज है तो वो सक्सेस है। नो वन टॉक्स अबाउट द इनर जर्नी, नो वन टॉक्स अबाउट द इनर सेटिस्फैक्शन। आप अपने काम को लेकर कितने खुश हैं? एक आदमी 2-2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, अगेन ही इज नॉट हैप्पी। डू यू फील कि वो सक्सेस है? क्या आपको लगता है कि वो सक्सेस है? कहीं ना कहीं तो देखो है, मतलब अच्छा। मैं 100% ये नहीं कहूंगा कि सक्सेस इज नॉट अबाउट मनी, सक्सेस इज नॉट एट ऑल अबाउट मनी एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे कि अगर पैसा नहीं है तो सक्सेस भी है? मतलब मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है इसमें। देखो एक्चुअली ना क्या है कि जब से हम लोग मनी की रेस में भागने लगे हैं या मनी सुप्रीम हुई है, तब से नंबर्स का गेम रहा है हर चीज में। कंट्रीज को कंपेयर करना आपस में तो जीडीपी से कंपेयर किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, नंबर्स का गेम है। लेकिन क्या रियलिटी में जिस कंट्री का ज्यादा जीडीपी है वहां ज्यादा लोग खुश हैं? क्या रियलिटी में वहां पर ज्यादा समृद्धि है? क्या रियलिटी में वहां पर कम क्राइम है? बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो जीडीपी रिच है बट वहां पे क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पर लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन लोगों को फ्रीडम नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। हाँ, प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि गरीब देश जो है ना खुशहाल हो सकता है। गरीब देश, भूटान के बारे में आपका क्या मानना है? गरीब माना जाता है, अमीर माना जाता है? भूटान गरीब देशों में गिनती होती है, उसी गरीब देशों में उसको मानते हैं। क्या किसी भूटानी की आपने स्टेटमेंट सुनी है? नहीं, एज सच नहीं। यू नो भूटान ने कभी अपना जीडीपी का डेटा दिया तक नहीं। भूटान कहता है वी डोंट बिलीव इन जीडीपी, वी बिलीव इन जीडीएच। You know what is it? Gross domestic happiness. वो अपना एक सर्वे करते हैं, इंटरनल सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पर GDH का डेटा वो रेगुलर शेयर करते हैं। भूटान गरीब क्यों है? क्योंकि भूटान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। Exactly. आज भी भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में 70% एरिया फॉरेस्ट रखा गया है जानबूझ के। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज कार्बन नेगेटिव, इट इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया का पॉल्यूशन भूटान अकेला अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पूरी दुनिया अगर सफल हो रही है, सरवाइव कर रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ भूटान। इतना ज्यादा वो कार्बन नेगेटिव है कि आसपास के सभी चाइना, इंडिया, इन सब कंट्रीज का तो जितना भी पॉल्यूशन है ना, एक तरह से आप मान लीजिए कि वहीं जाके नेगेटिव हो रहा है। भूटान के अगर आप किसी पर्सन से या किसी भी उनके सुप्रीम गवर्नमेंट कमांडर से अगर आप बात करेंगे, दे सेज कि वी बिलीव इन ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड हियर मोर देन 80% पीपल आर हैप्पी। आप कैसे कह सकते हैं वो गरीब देश है या सक्सेसफुल नहीं? खाने को नहीं होगा तो कैसे? खाने को तो क्यों नहीं है, वहां पर हर तरह का, दे आर कल्चरली रिच कंट्री और ठीक है, हर तरह का उनका जो माउंटेनियर्स हैं मैक्सिमम लोग, तो उनको उस तरह के फूड अवेलेबल है, नॉन वेज पे ज्यादा रिलाई करते हैं वो लोग, सब तरह का उनको फूड मिल जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि खाने के लाले पड़ रहे हैं। सक्सेस इज एक्चुअली व्हाट यू एस्पायर टू बी, आपकी सोच क्या है उसके ऊपर सबसे ज्यादा सक्सेस डिपेंड करती है एक्चुअली, ठीक है ना। एक जो आदमी कहीं पर कुटिया में जाके रहने लग जाता है, जिसने पैसा छोड़ दिया, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी टाइप का जो बंदा है, वो अपने आप को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानता है। वो कहता है मेरे को तो टेंशन ही नहीं है दुनिया की, दुनियादारी की टेंशन नहीं, मुझे दो वक्त की रोटी मिल जाए सफिशियंट है, ठीक है, मैं तो इन सब झंझटों से ही दूर हूँ, मैं तो इनसे भी ऊपर हूँ। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एस्पिरेशंस। सक्सेस इज ऑलवेज अबाउट योर इनर जर्नी और योर एस्पिरेशंस, व्हाट यू वांट टू बी। एक किसान आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, अपना खेती करता है और आराम से रात में आके चैन की नींद सो जाता है, मैं उस आदमी को भी सक्सेसफुल मानता हूँ। और है भी सही, अगर वो हैप्पी है, अगर वो अपने आप को सेटिस्फाइड मानता है, अगर उस चीज में वो सेटिस्फाइड मानता है, वो कहता है मेरे को जरूरत ही नहीं है ना, व्हाट इज द नीड, मैं क्यों
बाहर जाके कहीं धक्के खाऊं, अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करूं, या दिल्ली मुंबई जाकर अपनी लाइफ को दिन रात परेशान, अपने आप को दिन रात परेशान करूं, जब मेरे पास खाने को रोटी है सब कुछ है तो वो आदमी वैसे पुराने अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जिसकी जरूरतें कम है वो खुश है, वो खुश है, वो खुश है। हैप्पीनेस तो देखो वहीं पे मिलेगी। मैं उस चीज को भी गलत नहीं कहता कि आप अगर भाग रहे हैं, देखो अगर आपको फील होता है कि यस आपको भागना है तो आपको भागना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आपको लगता है कि यस कोई आपको ऐसा मिशन मिल गया जिसकी जिसकी दौड़ में आपको भागना है, ठीक है, आप छोटे इलाके से उस काम को नहीं कर सकते, आपको कहीं बड़े शहर में जाना है या दूसरे कंट्री में जाके उस मिशन को अचीव करना है, इट्स गुड, इट्स वेल एंड गुड। बेसिकली गोल्स होने चाहिए ना लाइफ में। हाँ, गोल्स, आपका अपना गोल क्या है वो इम्पोर्टेंस रखता है। एक प्लेयर की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? प्लेयर की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छा खिलाड़ी बने। एक सोल्जर की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या? सेम, कि वो एक अच्छा कुछ ऐसा करे। अगर सोल्जर पैसे बनाने लग जाए दो नंबर में तो क्या उसको सक्सेसफुल सोल्जर बनाएंगे, मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। वो उसका काम ही है ना कि वो अगर वो शहीद हो जाए तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो। वो शायद वो पहले से ही मान लेता है, एक सोल्जर पहले से ही इस चीज के लिए तैयार होता है कि मेरे को देश के लिए अगर जान की बाजी लगानी पड़े तो मैं लगाऊंगा। वो कहीं पर भी उससे हिचकिचाता नहीं, उनकी ट्रेनिंग भी इसी उससे होती है सारी, ठीक है ना। सो फॉर हिम सर्विंग द नेशन इज सक्सेस। इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फील। प्रॉब्लम ये है कि हम भेड़ चाल में पड़े हैं, हम सब स्केपगोट बन गए हैं इस दुनिया की दौड़ में, ठीक है। हमें जैसा कहा जाता है हम वैसा हो रहे हैं, हम अपना तो है नहीं ना कुछ। कोई कहता है भाई तू इंजीनियर बन जा, चल ठीक है मैं इंजीनियर बन जाता हूँ। हम सब क्या है ना कि एक मैड रेस में पड़े हुए हैं। सब लोगों को 10th के बाद क्या दिखता है? इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल करना, इंजीनियर बनना, दैट्स इट, डॉक्टर बनना है तो ठीक है। कोई भी पर्सन ऑल्टरनेटिव्स पे नहीं जाना चाहता, कोई भी पर्सन रिस्क ही नहीं लेना चाहता, इतना रिस्क तक नहीं लेना चाहता कि मैं कुछ नया ट्राई कर लूं। कुछ लोग हैं जो नया ट्राई करते हैं। नया आएगा कहां से, कैसे आप कैसे? हजारों चीजें हैं, फिर भी लेट्स से कोई एग्जांपल, हजारों चीजें हैं आज की डेट में, तो नए के लिए कोई है ही ना, है ही नहीं ना, ठीक है। एक पर्सन फेल हो जाता है और वो अपने आप को अनसक्सेसफुल ओयो की शुरुआत कर देता है। एक पर्सन 10th फेल हो जाता है तो वो कैरी मिनाती बन जाता है। डिपेंड्स ना कि आपको क्या अच्छा लगता है, इट टोटली डिपेंड्स कि आपको अच्छा क्या लगता है और आपने अपने लाइफ में क्या गोल्स लिए हैं। मतलब कि आपको हर मोमेंट को जीना चाहिए, इनर सेटिस्फेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, इनर सेटिस्फेक्शन, आपको हर मोमेंट को जीना चाहिए। सक्सेस अपने आप आएगी, जिसको भी आप सक्सेस मानते हैं वो सक्सेस आ जाएगी। अगर आपका आपके लिए सक्सेस ओलंपिक्स में मेडल लेकर आना है तो वो अपने आप आएगी अगर आप हर मोमेंट को जिएंगे। आप ये मत सोचे ना कि मेडल कब आएगा, आप ये सोचे मैंने उसके लिए क्या प्रयास किया, मैं कितने स्टेप्स ले रहा हूँ, मैं कैसे कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, आपके अपने क्या माइलस्टोन्स हैं और आप उन माइलस्टोन्स को कैसे अचीव कर रहे हो, आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस करो। सक्सेस तो अपने आप आएगी। ऑलवेज फोकस ऑन योर लर्निंग, ठीक है। तो यही है सक्सेस। सक्सेस इज नॉट ओनली मनी, सक्सेस इज नॉट ओनली फेम, सक्सेस इज नॉट ओनली Anything rubbish. Anything which gives you happiness is successful. You can say happiness or satisfaction or you achieve your goals. Again, सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है। आपको क्या चाहिए पहले अपने आप से थोड़ा पूछ लेना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहिए कि what I want to be.